ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हर हफ्ते नए विषय पर रोचक जानकारी देती हैं। आज चर्चा करने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहां पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने वाले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great कार्यक्रम में आपको स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानव जी। आज बात करेंगे हम जो छोटे उपाय बताते हैं या कहते हैं पानी में कुछ भाके आओ या जीव जंतुओं को खाना खाओ, क्या इनसे वास्तव में कष्टों निवारण होता है या नहीं। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानव से, क्या इन उपाय करने से कष्टों निवारण होगा या नहीं होगा। जी आप हरते उपाय बताती हैं, इन उपायों से कष्टों निवारण होगा। क्या दान करने से या पानी में अन्न बहाने से या कुछ बहाने से या पक्षियों को या जीव जंतुओं को खाना खाने से कष्टों का निवारण हो सकता है, हो सकता है तो कैसे। देखिए, हमारे जितने भी कष्ट हैं, चाहे वो प्रारब्ध के हैं या इस वर्तमान जीवन के हैं, वैसे जो हम कष्ट भोगते हैं ये दो तरह के कष्ट होते हैं, एक प्रारब्ध हैं और एक कार्मिक हैं। प्रारब्ध के कष्ट तो पीछे से चले आ रहे हैं, जो हमने अपने पिछले जन्मों में किया है, जो हम अपने साथ कुछ उधार लेकर आते हैं, जो हमें उधार चुकाना है। और दूसरा इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उस कर्म के अधीन हमें कष्ट मिलते हैं। तो सॉल्यूशन, देखिए एस्ट्रोलॉजी एक स्पिरिचुअल साइंस है, एक इट्स फैक्चुअल साइंस, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आधारित है जो प्रेडिक्शन देती है कि ऐसा होगा, उसको भी हम मानते हैं, उसको हम प्रेडिक्शन बोलते हैं कि समय आपकी ये दशा है, ये महादशा है, यंत्र दशा है और आपका ये समय इस तरह से आएगा, आपके ऊपर ये कष्ट आएगा, तो वो आएगा, ये लिखा है। लेकिन उस कष्ट को हम कम कर सकते हैं। देखिए, बुखार आना आपके बस में नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास एक सलूशन है कि अगर हम ये दवाई खाएंगे तो हमारा ये कष्ट, हमारी ये बीमारी, हमारा बुखार, हमारी खांसी कम हो सकती है। तो मानव जीवन में जो प्रारब्ध के कष्ट हैं या कार्मिक कष्ट हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्पिरिचुअलिज्म है। देखिए, टेक्निकल उपाय अगर हम बात करें तो टेक्निकल उपायों में किसी चीज को बहा देना, किसी चीज को दबा देना, किसी चीज को फेंक देना, ये सब टेक्निकल उपाय हैं। अगर इसमें टेक्निकल स्टेटस हम चेक करें तो बहुत सारी बातें हैं।
इसमें, लेकिन इसको हम स्पिरिचुअली ज्यादा हैंडल करते हैं एस्ट्रोलॉजी में. स्पिरिचुअली हैंडल करने का मतलब हम कहते हैं कि ये चीज इसको खिला दो. अब अगर आप छोटी सी बात करें तो अगर हम एक गाय की बात करते हैं, हम गाय को शुक्र मानते हैं, हम बोलते हैं कि आपके होरोस्कोप में, आपकी जन्म कुंडली में कहीं शुक्र डिस्टर्ब है, आपके घर में हस्बैंड वाइफ की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, तो ठीक है, वाइफ के साथ लड़ना यानी कि आपके होरोस्कोप में शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है, यानी आपके घर में वो सुख संपदा, वो सुख शांति नहीं है. तो उसके लिए सिंपल सा उपाय क्या है कि आप गाय की सेवा कीजिए. गाय कौन है? गाय शुक्र है. और गाय में भी अगर आप व्हाइट कलर को चूज कर ले, क्योंकि शुक्र का कलर पिंकिश व्हाइट है, तो इस तरह से हम कुछ चीजें फीडिंग करा देते हैं. हम कहते हैं इसकी सेवा करो. हम बोलते हैं कि आपका शनि नीच है, तो शनि को रिप्रेजेंट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, इसमें भिखारी भी है, इसमें मजदूर भी है, इसमें आम गरीब इंसान है, हम कहते हैं इसको फीडिंग करो. फीडिंग करने का मतलब क्या है कि आप अपने हाथों से जो खिला दोगे या जो आप अच्छा कर्म कर दोगे. देखिए, आप किसी के चरणों में झुकते हैं या आप किसी के सामने सिर निवाते हैं, किसी को श्रद्धा से शीश निवाते हैं, या आप किसी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो आपको आशीष ही मिलेगा. और जब कोई चीज आशीष देती है, कोई शक्ति आशीष देती है, अगर मेरे को भी कोई प्रणाम करता है तो मैं भी उसे बोलती हूँ गॉड ब्लेस, खुश रहिए, तो मेरे मन में उसके प्रति एक अच्छी भावना है. तो वो ग्रह जो है उनके कष्ट देने की जो प्रवृत्ति है, ग्रह कष्ट नहीं देते, इट्स अ ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएटेड बाय गॉड एंड अलमाइटी. ईश्वर ने एक सिस्टम स्थापित कर दिया है, वक्त का आना और वक्त का जाना, ये तो रुक ही नहीं सकता. और वक्त के अनुसार जो भी हमें कष्ट मिलने हैं, इसको भी नहीं रोका जा सकता. ये तो एक ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक चैनल है, ये तो चलेगा, ये प्रवृत्ति और ये प्रकृति चल रही है, और उसको रोकने की क्षमता शायद किसी भी व्यक्ति में नहीं है. और अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा होगा ही नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, तो इसका मतलब मैं सिरे से झूठ बोल रही हूँ. तो हमें प्रैक्टिकली पहले तो इस बात को स्वीकार करना है कि कष्ट तो आएगा. कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि आज के बाद तुम्हें बुखार नहीं होगा. लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर ये बात कहता है, अगर ये मैं बात कहती हूँ कि आपको आने वाले टाइम पीरियड में कभी ऐसा कष्ट नहीं होगा, तो उसके पीछे उन ग्रह चाल से रिलेटेड जो डाटा है मेरे पास, मुझे पता है कि इस व्यक्ति की ये दशा है, ये ग्रह इसके आने वाले जीवन में इस तरह से आएंगे, अब वक्त निकल गया, अब बुरा वक्त निकल गया, अब अच्छा वक्त आएगा, तो मैं उस बिहाफ पर कह सकती हूँ कि हाँ, आने वाला जीवन आपका अच्छा है. लेकिन ये जीवन है, इसमें छोटे छोटे कष्ट आते रहेंगे, लेकिन उनके समाधान भी हमारे पास अवेलेबल हैं. तो छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी उपलब्धियां हम हासिल कर सकते हैं. मानविक कष्ट और दुख क्यों आते हैं इंसान को, क्या वजह है? मैंने अभी आपको बताया, कष्ट का आना नहीं, क्या इंसान का इस जन्म में कुछ गलत काम किया है उससे आते हैं, या पूर्व जन्म के उससे आते हैं, या किसी के कराने से आते हैं, क्या सिस्टम है जो आदमी परेशान हो जाता है? देखिए, हम अकेले नहीं हैं, हम बंधे हुए प्राणी हैं, हम अपने परिवार में रहते हैं, हम अपने परिवार के हर कर्म से प्रभावित हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम मानसिक रूप से भी पाप करते हैं, शारीरिक रूप से भी हमसे पाप हो जाते हैं, हम अनजाने में भी पाप कर लेते हैं, हम भावनाओं में भावनात्मक पाप भी करते हैं, सोच के पाप भी करते हैं. तो कष्ट का आना हमारे कर्मों के अधीन है. हम जैसा कर्म करते हैं, आज मैंने जबान से किसी को कुछ बोल दिया, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचा, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, उस हम ये चीज नहीं मतलब बताना चाह रहे, हम एक उपदेश नहीं देना चाह रहे, लेकिन ये कटु सत्य है कि आपके हाथों से जो कर्म होता है उसका फल प्रतिफल मिलता है. और कष्ट का आना या तो पीछे कहीं लिखा हुआ है, वो किताब जो हमारी पीछे से हमारे पिछले जीवन से चलती आ रही है, उसमें लिखा हुआ है कि हमें इस कर्म का भुगतान करना है. वो पिछला जन्म भी हो सकता है और पिछले कई जन्मों का फल भी आपको इस जन्म में मिल सकता है. तो सबसे अच्छा सलूशन क्या है कि कष्ट का आना आप मान के चलिए कि अगर मैंने इस जन्म में कोई कर्म ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर मुझे इस कष्ट को भोगना है, तो ईश्वर का नाम लेकर सात्विक कर्म करके, अच्छे अच्छे उपाय करके, उस कष्ट का निवारण के लिए प्रयास लगातार करते रहे. क्या मानव जी वास्तव में जो आपने उपाय बताए हैं जी, इनसे कष्ट और दुखों का निवारण हो सकता है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ कि पहली बात तो उपाय मानवीय के बनाए हुए नहीं है, दूसरी बात किताबी उपायों पर मैं विश्वास नहीं करती,
तीसरी बात, एक सिस्टम है। मैं नॉर्मली जो उपाय करवाती हूँ उसमें किताबी उपाय मैं ज्यादा बिलीव नहीं करती। मैं नहीं देखती कि अगर हमें एक उपाय चलता आ रहा है, लेकिन जैसे दान करना है तो मैं ग्रहों के साथ कुछ चीजें रिलेट कर देती हूँ। मुझे पता है कि इस व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव नीच है, तो मेरे उपायों में क्या होता है कि आप शनि को खुश करने, देखिए जो चीज आपके लिए खराब है उसको आप अपने से दूर कर दीजिए। शनि अगर षष्टेश और अष्टमेश होकर नीच का कहीं बैठ गया और आपके लिए कष्टकारी है, पहली बात तो आप ये महसूस किया कीजिए कि मैं अपने दर्शकों से ये बात कह रही हूं कि अगर आपका कोई दिन खराब जाता है, अगर कोई दिन खराब जाता है तो यकीन मानिए वो उस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर कहीं ना कहीं बुरा है। आप ये भी नोट कीजिए कि हर बार आपका शनिवार ही खराब जाता है, आपका हर बार वीरवार ही खराब जाता है, या हर बार मंगलवार को ही कोई घटना या दुर्घटना होती है। तो उससे रिलेटेड अगर हम कोई उपाय करते हैं, कोई छोटे छोटे दान पुण्य करते हैं, तो हमें फर्क पड़ता है। मैंने ये बात कहा कि अगर शनि आपका खराब है, सपोज किसी पंडित ने, किसी विद्वान ने, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने बोल दिया कि आपका शनि खराब है, तो शनि क्या है? शनि महाराज अपने दशा, महादशा, अंतरदशा या कार्मिक दशा में आपको छोटे छोटे नुकसान जरूर करवाएंगे। तो सरेंडर कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि सरेंडर कीजिए। आप किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा है आप पे, एक व्यक्ति आपकी बिल्कुल फेवर में नहीं है, तो आपका सरेंडर करना ही सबसे बड़ा उपाय है। हम सरेंडर कैसे करें? मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, कार्मिक रूप से। आप दान पुण्य कीजिए। आप शनि से रिलेटेड जो जीव जंतु हैं, जो काला कुत्ता है वो भी शनि का कारक है, भैंस भी शनि का कारक है, जीव जंतु है। ईश्वर ने माध्यम बनाया है कि आपको इन उपायों से, इन रस्तों से, इस तरह से कष्ट से मुक्ति मिलेगी। मजदूर भी शनि है। मजदूर के बच्चों को दूध पिला दीजिए। जिसके बच्चे को आप दूध पिलाएंगे, क्या वो व्यक्ति आपको शुभ आशीष नहीं देगा? तो इस तरह से बहुत कुछ है करने के लिए। हम जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े उपाय करें, हम बहुत बहुत पैसा खर्च करें और हम दिखावे के लिए इतने बड़े उपाय बताएं कि लोग हमसे इंप्रेस हो जाएं कि मानवी बहुत अच्छे उपाय कराती है या बहुत महंगे उपाय कराती है, बहुत टेक्निकल उपाय कराती है। देखिए, आपका एक रोटी का दान करना भी आपके कष्टों का निवारण कर सकता है, लेकिन दान करने से पहले ये भी देखिए कि क्या वो व्यक्ति जिसको आप दान कर रहे हैं वो नीडी है। आप किसी भी ब्राह्मण को दान करते हैं, आज मैं मंदिरों में दान के लिए मैं मना नहीं करती, लेकिन मैं जरूर कहती हूँ कि आज अगर इस मंदिर में दान दिया है तो कल दूसरे मंदिर में भी दान दीजिए। अब लगता है छोटे से ब्रेक का बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहाँ बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 2206292-2239-2314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुना पार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य और अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं।
जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBN इंटरनेशनल स्कूल, D508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 2257-3594, वेबसाइट www.siddharthinternational.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कारण क्या है कि आज इतना कुछ सबके पास सरप्लस, आज कोई गरीब नहीं है, मैं जितना मानती हूँ, आज कोई भूखा नहीं है, आज किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरतमंद है। तो आप जब भी अपना दान करें या जब भी अपना डोनेशन दें, किसी को खिलाएं या किसी के लिए कुछ अच्छा करें, तो देख लीजिए कि क्या उस व्यक्ति को आपके इस कर्म की जरूरत है। जब खाना खिलाने से किसी को यहाँ ठंड पड़ती है, कोई सेटिस्फाइड होता है, तो मुझे लगता है तब आपका उपाय लग जाता है। मानवी देखने वाला कि बहुत सी बार घरों में 24 घंटे मियां बीवी में झगड़े होते रहते हैं, क्या वजह है कि उन घर में शांति नहीं होती? देखिए, लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा कारण बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम बार बार एनवायरमेंटल एनर्जी की बात करते हैं। अभी मेरी किसी से डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने उनसे बात पूछी कि क्या आपके घर में जो पैसा आता है, आप जो भी काम करते हैं, काम का जो भी माध्यम है आपका, क्या आप अपने घर में जिस पैसे की रोटी खाते हैं, क्या उसमें से कुछ पैसा ईश्वर के नाम का, दान पुण्य के नाम का, अच्छे कर्मों के नाम का कभी निकालते हैं? तो आंसर था नहीं, हमें ये बात पता नहीं है। तो जो भी पैसा, देखिए बिजनेस, मैं नहीं मानती कि कोई भी काम जो है वो सात्विकता से चलता है। बिजनेस एक ऐसा व्यापार है, बिजनेस एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें हमें कुछ ना कुछ अच्छा बुरा कहना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है। हम हर तरह से सात्विकता से बिजनेस नहीं चला रहे, तो कुछ ना कुछ हम अपनी क्षमा के लिए, हम अपने मानसिक या भावनात्मक या शारीरिक जो भी हम गलतियां करते हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो क्षमा अपराध मानना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो आप सबसे पहले जो इनकम आपके घर में आती है, आप देखिए लड़ाई झगड़े होते हैं, जरूर अपना कुंडली चेक कराइए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा, कोई दिक्कत जरूर होगी आपके ग्रहों में कि आप इतना कष्ट भोग रहे हो। क्यों भोग रहे हो कष्ट? जब दवाई है, अवेलेबिलिटी है, कारण है, तो उसका निवारण ढूंढिए। आप अगर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है, तो सबसे पहले छोटा सा नियम डलवाइए। मैं आपको आज छोटा सा एक उपाय बताती हूँ। पानी जो गंगा जल के रूप में भी विद्यमान है, और हमारे घर में भी पानी है, आप अपने घर में सफाई भी करते हैं, हम सारे वॉशिंग क्लीनिंग सब पानी से करते हैं, लेकिन आप अपने घर में जो पानी पीने का मटका भरते हैं, आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल सुबह मिला दीजिए, ताकि सारा परिवार सारा दिन पानी उसी में से पिए। बहुत अच्छा उपाय है। मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ, गंगा जल से पवित्र वस्तु कोई नहीं। आप किसी और धर्म के हैं, तो आप अपने धर्म के अनुसार जो भी होली वाटर है, जो सिखिज्म है वो अपने गुरुद्वारे से जो लाकर अपने पीने वाले पानी में डाल दीजिए, जैनिज्म में जो होली वाटर है, मुस्लिमिज्म में जो होली वाटर है, आप अपने पीने वाले पानी में डाल दीजिए, देखिए करके आपको फर्क पड़ेगा इस बात का। दूसरी बात, आप जो भी कमाई घर में लेके आते हैं, आप घर में रखने से पहले, उसे यूज करने से पहले ईश्वर के चरणों में रखिए, और उसमें से कुछ हिस्सा, चाहे आप 50,000 में से 2,000 निकाल रहे हैं, 1,000 निकाल रहे हैं, 500 का एक नोट अलग कर रहे हैं, अलग कर दीजिए, परिवार समेत जाइए, उसका गरीबों को खाना खिलाइए। अंतर आप खुद ही चेक करेंगे कुछ ही दिनों के बाद, जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो फर्क आपको नजर आएगा। हम एक्चुअली अच्छी चीजें करने में हमेशा गुरेज करते हैं। मैंने इसके साथ ये भी समझाया है अपने दर्शकों को बार बार कि घर में जब भी आप बात करें, शाउटिंग ना करें। शाउटिंग मेरे को बहुत बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर लगता है। ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, खुद भी कई बार ऊंची आवाज में बात कर जाते हैं, गुस्से में बात कर जाते हैं, लेकिन उस शाउटिंग के बाद क्या हम अपने घर में प्रॉपर विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं? शायद नहीं। तो होता क्या है कि नेगेटिविटी 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 और ज्यादा नेगेटिविटी में कन्वर्ट होता जाता है, तो परेशानियां बढ़ती हैं, हम परेशान होते हैं। हमें चमत्कार चाहिए, हमें सोल्यूशन 2 दिन में चाहिए, 2 मिनट में चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि मैडम हम बहुत परेशान हैं, कोई ऐसा उपाय करा दीजिए कि मतलब कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए, सुख शांति हो जाए। लेकिन कष्ट ना हो इसके लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए अगर कोई मुझे बोले कि मैडम कुछ ऐसा आप कर दीजिए, तो मैं
हाथ खड़े कर देती हूँ कि मेरे करने से आपका घर शांत होने वाला नहीं है, मैं जो भी कहूंगी वो आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे जैसे हाथों से निकलता है वैसे वैसे चमत्कार होते हैं। क्या आपके कहने से अनुष्ठान या पूजा करने से कष्टों का निवारण हो सकता है? मंदिर जाती है दुनिया जोशी के पास जाती है फिर भी परेशान रहती है वो। देखिए, ये मन की भावनाएं हैं, मन की एक भावनात्मक स्थिति है। आज मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। आज देखिए, लोगों ने स्टोन पहने हुए हैं और ज्यादातर मैंने देखा कि 70-80% जो लोगों के स्टोन्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है और 50% तो लोगों ने नकली पहने हुए। ये एक भावनात्मक संतुष्टि है कि अब मैंने ये स्टोन पहन लिया है, अब मुझे इसका असर मिलेगा। दूसरी बात, मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि आप अनुष्ठान कराओ, आप पूजा कराओ। मैं कहती हूँ पूजा कराओ नहीं, पूजा करो, क्योंकि जो कर्म आप अपने हाथों से करोगे उसी का ही फल है। जो अनुष्ठान कराए जाते हैं फिर उसमें विधि विधान का ध्यान रखा जाए। देखिए, हर चीज अपने आप में सत्य है। मैं स्टोन की निंदा नहीं करती क्योंकि मैं भी इसी काम में हूँ। मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप ये वाला स्टोन पत्थर पहनिए, ये वाला स्टोन पहनिए, लेकिन हाँ ये जरूर देख लेती हूँ कि इसकी पॉकेट में 100 है, इसकी पॉकेट में 10,000 है। तो मैं ये जरूर बोलती हूँ कि आप जिस भी काम में हो, सामने वाला आपके पास एक जरूरत के अनुसार आया है, आप अपनी जरूरत लेकर आया है, तो उसको हम गलत रास्ता ना दिखाकर उसको एक सही रास्ता दिखाएं और उसकी पॉकेट के अनुसार उसको उपाय बताएं। देखिए, हमारा क्या फायदा है अगर हम एक कष्ट में आए हुए व्यक्ति के और कष्टों को बढ़ा दें। मुझे पता है कि इसकी पॉकेट में 500 रुपया नहीं और उसे मैं 50,000 का पत्थर रिकमेंड कर दूं, तो मुझे नहीं लगता ये मेरी काबिलियत है। मुझे अपनी काबिलियत नहीं दिखानी, मुझे लोगों को एक सोल्यूशन देना है, मुझे एक रास्ता देना है, चाहे वो एक रोटी का उपाय हो या मैं किसी को 5,000 खर्च करवाती हूँ। तो मैं कहती हूँ अपने हाथों से खर्च करो। अगर आप 50,000 भी खर्च करना चाह रहे हो या आप दान पुण्य कर रहे हो तो अपने हाथों से करो, उसकी संतुष्टि आपको मिलेगी। तो जो अनुष्ठान भी कराए जाएं या जो दान पुण्य कराए जाएं या जिस किसी भी तरह से धार्मिक क्रियाकलाप जिसको बोलते हैं कराए जाएं, उसमें विधि विधान का ज्ञानी पंडित जो है, ज्ञानी विद्वान जो है, वो इस कर्म को करे, तो उसका विधि विधान से किया हुआ कर्म जो है वो निश्चित रूप से फल देता है। लेकिन ये जरूर देख लेना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति इस कर्म को करा सकता है, क्या करने वाले हमारे समाज में विद्वान हैं, क्या जिस पंडित से, जिस ज्ञानी विद्वान से हम लोग काम करवाए हैं, क्या उसकी इतनी क्षमता है कि उस लेवल पर उस काम को कर सकता है। ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। कुछ ज्योतिष आचार्यों ने, ज्योतिषियों ने स्टोन को भी धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है। वो कहते हैं ये स्टोन पहनो, कहां से पहनना वहां जाना, उसके यहाँ ठीक होगा, जबकि उसके यहाँ डुप्लीकेट है और इधर नहीं होगा। क्या वास्तव में कुछ ज्योतिषी जो है उन्होंने भी बिजनेस बनाया हुआ? देखिए, स्टोन का पहनना एक साइंटिफिक मतलब काम करता है। पहली बात तो मैं ये जरूर बता, ओरिजिनल स्टोन बहुत कम मिलते हैं, बड़े महंगे होते हैं। देखिए, ये मार्केट, उनके डुप्लीकेट ही मिलते हैं बाजार के अंदर, ये मार्केट है। इसमें मैं अक्सर लोगों को ये जरूर समझाती हूँ कि आपकी क्षमता है तो आप पहनिए, आपकी क्षमता नहीं है तो आप उसके सब्स्टिट्यूट पहनिए। मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ, नीलम, एक अच्छा सा नीलम जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लाखों में भी है, हजारों में भी है, लेकिन उसका बहुत ही छोटा सा सब्स्टिट्यूट है नीली, कटैला, तो काला हकीक। तो मुझे पता है कि सामने वाले का क्या स्टेटस है, सामने वाले की क्या आर्थिक स्थिति है, तो मैं नीलम कभी नहीं बोलती उसे। मैं ये बोलती हूँ कि 500-700 का स्टोन है, इसको पहन। अब एक छोटे से ब्रेक का बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। To have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka Utkrisht Utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great break ke baad aapka swagat hai। Dekhiye, solution milta hai,
आप फाइव स्टार में खाना नहीं खा सकते तो ढाबे में तो खाना खा सकते हो, पेट तो भरेगा, तो कष्ट कहीं तो कटेगा। तो मुझे लगता है कि जो इस सीट पर बैठा है, जो इस गद्दी पर बैठा है, जो अपने आप को ज्योतिष आचार्य मानता है, तो उसे सबसे पहले सामने वाले के दुख दर्द को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम भगवान नहीं हैं, हम कोई चमत्कार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, वो सब उसकी कृपा से हो रहा है। आपको अगर उसने इस गद्दी पर बिठा दिया, अपना माध्यम बना के बिठाया है, तो आपको देखिए पैसा तो सारी दुनिया कमा ली, मैं भी फीस लेती हूँ, लेकिन फीस वहां छोड़ देती हूँ जहां मुझे आंसू नजर आते हैं। आंसुओं का पैसा मैं खाना पसंद नहीं करती। और शायद मुझे लगता है कि ये जो ये ज्योतिष का काम जो है, ये कष्टों से भरा हुआ है। कई बार इसमें सामने वाले का कष्ट काटते काटते अगर आप दो लाइनें लिख देते हो किसी को ये उपाय करने के लिए, तो हमें खुद नहीं पता होता कि इसका कितना कष्ट हमारे ऊपर आएगा। तो हमें भी बहुत पूजा पाठ करनी पड़ती है। तो इसको अगर अगर मैं इसे व्यापार के रूप में देखूं ज्योतिष को के काम को, तो मैं इसे पैशन बोल सकती हूँ, प्रोफेशन नहीं बोल सकती। दिस इज नॉट प्रोफेशन, दिस इज पैशन, और दिस इज द मीडियम गिवन बाय गॉड टू अस सो दैट वी कुड सर्व द सोसाइटी। अगर हमें मानवता की सेवा नहीं करनी, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही मायने में सीट के लिए भी डिजर्व करते हैं। मान भी देखने वाला है कि हर ज्योतिष आचार्य या दूसरे व्यक्ति इंसान कहते हैं आप सबको एक मोती, फैशन हो गया है कि चांदी के अंदर मोस्टली चांदी पहनते हैं कि छोटी उंगली पहनना है, जिसको भी देखो उसके हाथ में ये नग पाए, क्या वजह है इसकी, क्यों ये फैशन सा हो गया है कि इसको देखो चांदी का पहना व्हाइट। देखिए जितनी भी धातु है, हर धातु हर ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। चांदी एक ऐसा कॉमन सा मेटल है जो सभी स्टोन के लिए सूटेबल है। सफेद नग मोती है, मोती है। आज 90% लोगों को गुस्सा बहुत आता है, तो नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि आप मोती पहनो, लेकिन मैंने मोती बहुत कम रिकमेंड किया है, क्योंकि मुझे पता है कि असली मोती कहीं नहीं मिलता। असली मोती बसरे का मोती बहुत कम मिलता है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट जरूर बता देती हूँ कि मूनस्टोन पहनो। तो शांति के लिए मूनस्टोन पहना जाता है, मोती मानसिक शांति के लिए पहना जाता है, लेकिन अगर आपको किसी भी स्टोन को पहनकर, मैं एक बड़ी छोटी सी बात, एक फॉर्मूला सा सभी अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि आप कोई भी स्टोन पहनते हैं, अगर आपको उस स्टोन को पहनने के बाद कोई असर नजर नहीं आता, तो शत प्रतिशत उस स्टोन में आपकी एक साइकोलॉजी जुड़ी है कि आपने पहन लिया है, आप सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फर्क नजर नहीं आता, तो आप उस स्टोन की जाँच करवाइए, वो स्टोन नकली होगा। आजकल मैकेनिकल स्टोन, मशीनों से स्टोन बन रहे हैं, आजकल कांच आ रहा है स्टोन में, आजकल पत्थर जो है कांच के जो स्टोन आ रहे हैं, इसके अलावा आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस में, मैं आपको छोटा सा बताती हूँ कि जो फिरोजा है उसमें फिरोजी कलर डालकर सीमेंट से, मेरे अपने जानकर हैं जो स्टोन बनाते हैं, हम उनको मना करते हैं कि तो बोलते हैं मैडम व्यापार है, काम है, भेजना है, सप्लाई है, लेकिन मैं हमेशा देखती हूँ कि देखिए आपको एक आम व्यक्ति को स्टोन की पहचान नहीं है। आम व्यक्ति पैसा खर्च करके आएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसको स्टोन सही मिल रहा है, तो स्टोन मत पहनिए अगर आपकी पॉकेट नहीं है। अभी दो दिन पहले मुझे किसी ने बोला कि मैडम मैंने किश्तों पे किसी से पैसा उठाकर स्टोन लिया, तो मैंने उसको बोला क्या जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, अक्सर लड़कियों की शादियां नहीं होती, तो लड़कियों की शादी ना होने के पीछे हम जैसे लोग अक्सर ये बोल देते हैं कि पुखराज पहन, बिना देखे बिना जाने, जरूरत भी होती है कई बार, लेकिन अक्सर बोल देते हैं पुखराज पहन लो, क्योंकि पुखराज गुरु से रिलेटेड है, बृहस्पति से रिलेटेड है, और शादी का कारक भी है। अब सबसे बड़ी बात है कि पुखराज जो है वो अच्छी क्वालिटी का पुखराज 50-60 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा। तो एक बेचारा इंसान जो बेटी की शादी करेगा, वो पहले 50 हज़ार का स्टोन लेगा, फिर उसमें 10-15-20 हज़ार का सोना लगाएगा। तो मैं एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि अगर आपकी बिटिया की शादी में कोई दिक्कत आ रही है, तो स्टोन मत पहनिए, हर चीज का इलाज है। अगर आप कहें तो हम इसको रुद्राक्ष से जोड़ देते हैं, मैं लोगों को रुद्राक्ष पहनाती हूँ कि ठीक है पहनिए रुद्राक्ष, पहनिए एक रुद्राक्ष 20-25-50-100-150-200 से ऊपर नहीं आ सकता एक दाना। तो आप मतलब पूजा पाठ करके आप उस चीज को धारण कीजिए, आपको वही इफेक्ट्स मिलेंगे। हल्दी की चार गांठें, हल्दी जो है वो बृहस्पति को इंडिकेट करती है, तो हल्दी की चार गांठें लीजिए, कच्ची हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको दूध में भिगो दीजिए शुक्ल पक्ष में, अमावस्या के बाद जो समय आता है शुक्ल पक्ष का, 15 दिन का पक्ष होता है, आप हल्दी की चार गांठें बुधवार की रात को भिगो दीजिए और मंदिर में रख दीजिए,
सुबह गंगा जल में धोकर उसको पीले कपड़े में बांधकर कोई भी लड़की अपनी बाजू पे बांधे या अपने पास रखे, पुखराज का ही काम करेगा। और साथ ही साथ आप इसे 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद दोबारा चेंज कर लें, इसको जल प्रवाह करा दें, क्योंकि ये वनस्पति है, वनस्पति है। कई लोग इसे कच्ची हल्दी को सब्जी के तौर पर भी खाते हैं, सब्जी में डालकर खाते हैं। तो इस तरह से आपको इसे 1.5-2 महीने के बाद चेंज कर सकते हैं। आप इसका इम्पैक्ट देखिए, आपको फर्क पड़ेगा। ये पुखराज का ही काम करेगा। इसके अलावा टाइगर स्टोन है, पुखराज का ही एक सब्स्टिट्यूट तो नहीं है लेकिन उसके जैसा ही असर देता है। तो बहुत सारे ऐसे सब्स्टिट्यूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर हम स्टोन नहीं पहन सकते तो कृपया आप प्रेशर में आकर स्टोन ना पहनिए। स्टोन उन लोगों के लिए है जिनकी पॉकेट अलाउड करती है, हैवी स्टोन, कॉस्टली स्टोन। तो आम व्यक्ति जो है सब्स्टिट्यूट्स पहने, आप उसके सब्स्टिट्यूट्स पहनकर भी काफी हद तक उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे अगर हम नीली पहनते हैं तो हम 1.5-2 साल तक नीली का असर ले सकते हैं, उसके बाद ये स्टोन खाली हो जाते हैं, इनका असर खत्म हो जाता है। तो आप इसके बाद 1.5-2 साल के बाद फिर 700-800-900 हजार रुपया खर्च करके फिर ये स्टोन पहन सकते हैं। मान लीजिए आपका रुद्राक्ष जी, रुद्राक्ष भी एक नक का उसमें होते हैं, दो मुंह का, पांच मुंह का, बेर है, पेड़ का एक फल है। हाँ, वही चीज है। तो जो आते हैं क्या बाजार में पा जाएगा, जो आप चाहती हैं कि रुद्राक्ष पहनिए आप? देखिए ये मार्केट है, ये हर जगह हर चीज का आजकल धंधा व्यापार चल रहा है। आजकल रुद्राक्ष भी प्लास्टिक के आने लगे हैं। गणेश रुद्राक्ष जो है, या अगर आप दूसरा एक मुखी रुद्राक्ष, बहुत रेयर हैं। अगर हम बात करें तो एक मुखी से लेकर 16-18 मुखी रुद्राक्ष सब मिलते हैं, सब बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट अलग अलग है। ओरिजिनल नहीं पाएंगे आप से? नहीं, ओरिजिनल मिलते हैं, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला मैं लोगों को अक्सर बोलती हूँ कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि जो रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है वो असली है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, लेकिन आजकल दुकानदार क्या करते हैं, रुद्राक्ष को तेल में भिगो देते हैं और सिंदूर में डुबो देते हैं कि जब पानी में डाला जाए तो ऑटोमेटिकली हैवी हो जाता है। तो इसके लिए मैं लोगों को अक्सर बोलती हूँ कि आप रुद्राक्ष की अगर जांच करना चाहते हैं तो उसको वाटर में बॉइल कीजिए उसे, उसकी सारी जो अंदर से कचरा है, ऑयल है, सिंदूर है, सब निकल जाएगा। उसके बाद उसे आप साफ कीजिए, गंगा जल में डालिए, भगवान शिव के मंदिर लेके जाइए, पूजा कीजिए, रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, उसके बाद उसको धारण कीजिए। और उसके साथ देखिए, रुद्राक्ष एक स्पिरिचुअल स्टेटस का एक बेर का दाना है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे नियम हैं। हम रुद्राक्ष पहन लेते हैं और हम सारे वो कर्म करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है रुद्राक्ष पहनने के बाद नॉनवेज भी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हर चीज की एक गरिमा है, एक आस्था है उस चीज के लिए, तो बेनिफिट देता है। एक मिट्टी का कण भी बेनिफिट देता है अगर हम उसके साथ एक सिस्टमेटिकली बिहेव करते हैं। तो बहुत कुछ है, एस्ट्रोलॉजी इज अ डीप साइंस, इट्स अ डीप ओशन। इसमें जितनी भी डुबकियां लगाएंगे आपको एक नया रंग और रूप मिलेगा, आपको एक नई बात मिलेगी। एक्चुअली हमें एस्ट्रोलॉजी के रूल्स एंड डॉक्ट्राइंस एक्सप्लेन नहीं करने, हमें ये नहीं बताना कि इसके एक ग्रह के कितने अंश हैं। एक आम व्यक्ति जो दुखी आ रहा है उसको ग्रहों की डिग्रियों से क्या लेना देना, उसको तो सोल्यूशन चाहिए। और सोल्यूशन देने का काम एक जो व्यक्ति सीट पर बैठा है उसको पता होना चाहिए कि वो उस व्यक्ति की मानसिकता के अनुसार किस तरह से कौन सा उपाय करा सकता है। तो मानवीय क्या संदेश देंगे जनता को? मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगी कि पहली बात तो निराशा को छोड़ दीजिए। अच्छा और बुरा वक्त ना रहा है ना रहेगा, कष्ट आ रहा है तो संयम से, शांति से, विश्वास से, ईश्वर का नाम लेकर जरूर कारण सोचिए। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी फैमिली में बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा तो होना हो नहीं सकता था। तो कुछ चीजें विधि का विधान है, लेकिन जो आपकी डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका काम अटकता है, या आपकी शारीरिक दिक्कतें हैं, या जो भी है, आप उसके लिए पेशेंस के साथ बड़े प्यार से ईश्वर का नाम लेके बुद्धि से वो उपाय कीजिए जो आपको सुख और शांति दे। मानसिक संतुष्टि जब किसी उपाय को करने के बाद मानसिक संतुष्टि मिलती है, वही आपकी पहली सीढ़ी है सुखी होने के लिए। आप कोई काम ऐसा कर देते हैं जिसमें आपका पैसा वेस्ट होता है तो यकीन मानिए आप कभी भी मानसिक रूप से संतुष्ट हो ही नहीं सकते, चाहे वो पूजा पाठ है या कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान भी है। आप सुने थे ज्योतिष आचार्य मानव जी को। मानव जी ने बताया कि कष्ट और दुख आते हैं
उसके बाद सुख शांति भी आती है। हिम्मत रखिए, सांस बनाए किया तो आपके दुखों का निवारण होगा। कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, फोन कीजिए, उनका जवाब मालूम जी देंगे। हमारे ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 1138-1212-0637-9810721848-9818-70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपके पास @yaw.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/श्री रामनगर शारदा दिल्ली 32।